दोस्तों आज की कहानी है शोक पड़ता केवल बहुओं के लिए ही क्यों। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संजना रात बहुत हो गई, सुबह से काम में लगी रहती हो, अब तो थोड़ा आराम कर लो। वैसे दादाजी की तबीयत खराब रहने की वजह से घर में मेहमानों का आना लगा ही रहता है। ऑफिस से भी संभालती हो, घर का काम भी करती हो, थोड़ा ध्यान खुद पर भी दो। अपने पति रवि की बात सुनकर संजना बोली, बस रवि एक महीने की बात और इस बार मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मैंने एक महीना और इसी तरह से काम कर लिया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। फिर मेरा भी ऑफिस में अपना केबिन होगा, मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। संजना आंखों में हजारे सपने बूंदते हुए बोली। थोड़ी देर और अपना काम करने के बाद में संजना भी सो गई। सुबह उठी तो जैसी वो नहाकर बाहर आई उसे बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ आई। उसका दिल घबरा गया। बाहर आकर देखा तो पता चला कि दादाजी परलोक सीधा सूखे घर में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे तो दादाजी बहुत दिनों से बीमार थे लेकिन अपने व्यक्ति और व्यवहार की वजह से वो सबके सहते थे। बड़ा हुआ छोटा सभी उनकी समझदारी और विवेक के कायल थे, इसलिए बेमिसाल शिक्षित को खो देने पर सभी को दुख हो रहा था। संजना का ससुराल पारिवारिक मान्यताओं को निभाने वालों में से था, सही संजना को जॉब करने की छूट दे रखी थी, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं था कि वह अपने अनुसार अपनी जिंदगी चला सकती थी। उसे रीति रिवाज, नियम कानून, कायदे सब कुछ और लोगों को जानकारी, ऑफिस जाने से पहले भी और ऑफिस आने के बाद भी अपने हिस्से का काम हमेशा करना होता था। संजना की सास पल्लवी जी हमेशा अपने संकट व्यवहार से सबको हमेशा अपनी मर्जी अनुसार ही चलाना चाहती थी। दादाजी के सेवक की वजह से संजना की सास उसे जॉब कराने के लिए राजी पाई, नहीं तो उन्हें घर की बहुआ का इस तरह से काम पर जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। 3 दिन संजना को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और सारे रीति रिवाज और तरीके से निपटाए गए। 4वें दिन की सुबह संजना रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर रसोई में आई गई और अपना काम करने लगी। काम करके जैसे वो ऑफिस जाने लगी, बैठक कक्ष में बैठी बुआ सास निर्जानी ने टोका, संजना सुबह सुबह कहाँ चल दी? बुआ जी ऑफिस जा रही हूँ। आज ऑफिस तुम्हें पता नहीं है क्या, घर में क्या हुआ है? तुम ऑफिस जाने का सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन बुआ जी दादाजी जी को शांत हुए 3 दिन हो गए और मुझे ऑफिस से इतनी दिनों की छुट्टी मिली थी, इससे ज़्यादा की परमिशन भी नहीं दे रहे। वो होते कौन है परमिशन देने वाले? और तुम्हारा जॉब करना भी इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ किसी के चले जाने के बाद 15 दिन तक शोक पर्दा निभाई जाती है। इन 15 दिनों में घर की बहुएं स्वागिनों की तरह तैयार भी नहीं होती हैं तथा उन्हें कहीं भी जाने की इजाज़त भी नहीं है। मैं कहीं घूमने नहीं जा रही, वह तो मेरा कार्य, मैं इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। इतने में संजना की सास पल्लवी जी भी आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ों से जबान लड़ाती हुए? तुम्हारे पियर में होता होगा ये सब, हमारे यहाँ सब कुछ नियम कायदों से होता है, ये तुम अच्छे से जानती हो, पल्लवी जी ने अपना रोब दिखाते हुए कहा। मम्मी जी आप तो समझिए, आप देख रहे हैं मैं साल भर से कितनी मेहनत कर रही हूँ, एक महीने की बात और है फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी मेरा पोस्ट सब में इजाफा हो जाएगा। संजना आँस लगाती हुई अपने सास से बोली, लेकिन संजना की सास के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था।
संजना, मेरे हिसाब से घर में खाने और खर्च करने की कोई कमी नहीं है कि तुम्हें इस तरह की जॉब के लिए भटकना पड़े। मम्मी जी, सभी लड़कियां घर में पैसों की कमी होने की वजह से ही तो जॉब नहीं करती है ना। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, सालों की मेहनत लगी, अब जब आपका परिणाम मिल रहा है तो मैं ऐसे कैसे कदम पीछे कर सकती हूँ। 15 दिन तक अगर मैंने छुट्टी ले ली तो मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इतने में रवि भी वहाँ आ गया। मम्मी, संजना सही कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे महीनों से वह इस प्रोजेक्ट में लगी हुई, अब उसका अंतिम परिणाम देने का समय आ गया। ऐसे में हमें उसे सहयोग करना चाहिए। रवि, तू तो है ही जोरू का गुलाम। देख रहे, जब से तुम्हारी शादी हुई तो हमेशा से संजना का ही साथ देता आ रहे। पल्लवी जी ने अपने मन में कई महीनों से भरी भड़ास निकालने की कोशिश करी, इसमें साथ देने और ना देने की बात कहाँ आ गई। मम्मी, ये बात केवल सही और गलत की हो रही है। देखो, तुम दोनों पति पत्नी सुन लो, संजना की जॉब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि संजना 15 दिन तक कहीं नहीं निकलेगी और तू उसके साथ दिमाग लगाना बंद कर। 3 दिन हो चुके, जाकर आज पिताजी के साथ फोन अपनी दुकान खोलनी, उसकी तैयारी कर। दुकान खोलने की बात सुनती संजना सो गई। आदमी जिनके पिताजी और दादाजी की मृत्यु हुई है वह सोते दिन जाकर ही दुकान खोल सकते हैं, जबकि ये घर तो बचपन से उनका है और बुवे जो किसी और घर से आकर उस घर को अपनाती हैं, उन्हें ना जाने की इजाजत है ना समझने की इजाजत है। इतना ही नहीं, संजना ने तो ये भी सुना था कि उसे 15 दिन तक सौंदर्य प्रसाधनों से तो दूर रहता ही नहीं है, वो सर पर बिंदी भी नहीं लगा सकती। और बुआ जी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि 15 दिन तक अपने बाल भी नहीं धोने। हे भगवान, ये कैसी पड़ता है। अगर आदमी के 15 दिन दुकान बंद रखने से घर की कमाई रुक रही है तो काम वाली बहू के भी तो ऑफिस नहीं जाने से फर्क पड़ रहा है। लड़का लड़की, बेटे बहू, भाई बहन, पति पत्नी, सभी रिश्तों में संजना ने हमेशा से दोगालापन होते देखा है और आज फिर वह दोगालेपन का शिकार हो रही। अपना प्रोमोशन इस तरह हाथ से फिसलता देख संजना को बहुत रोना आ रहा था। आज अगर दादाजी होते और दादाजी के कुछ हो जाता तो वो ऐसा निर्णय कभी नहीं लेने देते। मुझे पता है दादाजी हमेशा मेरा साथ देते भी आए। घर में जब कोई नहीं मानता तब केवल दादाजी ने मेरी नौकरी के लिए हाँ करी थी। अब मुझे किस मददधार में छोड़कर चलेगे दादाजी। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मन में अथाह दुख भरकर संजना अपने कमरे में आ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उधर उसके ओपी से फोन आने शुरू हो गए, वह किसी फोन का जवाब नहीं दे पा रही थी। आखिर क्या कहेगी, दादाजी के चले जाने के बाद शोक पड़ता की वजह से वह ऑफिस नहीं आ पाएगी। कौन मानेगा उनकी इस बातों को। ऑफिस में तो साथ वाले इस फिराक में है कि कब कोई घटना घटे और हम संजना की जगह हत्या लें। उसे अपने जीवन का सपना आज बिखरता नजर आ रहा था कि तभी उसको हॉल में से तेज तेज आवाजें आने लगी। उसे जाकर देखा तो दादी सा एक तरफ और बुआ सा और सासू माँ एक तरफ संजना के लिए वक्त युद्ध कर रहे थे। मम्मी, पिताजी की मृत्यु पर तुम ऐसे कैसे अपने पोते बहू को घर से बाहर निकाल सकती हो, यह बोलेगा ये समाज की बुजुर्ग आदमी के निधन पर 15 दिन शोक भी नहीं रख पाए। ऐसे क्या कमी हमारे घर में कि हम हमारी बहू को ऐसे दिनों में भी घर से बाहर निकालने की इजाजत दे दे। दीदी सही कह रही है मम्मी जी, जब आपके ससुर जी का देहांत हुआ था तो मेरे पियर में भी मेरे भाई की शादी थी, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया तो मैंने तो
कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया। भाई की शादी भी तो जीवन में बार बार नहीं होती है। जब नियम कायदे हमारे लिए ऐसे थे तो अब क्यों नहीं। कहते कहते परवी जी भावुक हो गई। यही तो बात है परवी, दादी जी अपनी बहू से बोली, आज अगर उस समय तुम्हें हम लोग समाज के इन रीति रिवाजों को तोड़कर तुम्हारे भाई की शादी में जाने दिया होता तो क्या इतनी कड़वी यादें लेकर तुम अपनी जिंदगी जी रही होती। क्या उस समय तुम्हारे मन में ससुराल वालों के लिए आदर की भावना नहीं जागृत होती। आज भी भाई की शादी को सोचकर तुम्हारे मन में कड़वाहट घुल जाती है, क्योंकि हमने रीति रिवाज और प्रथाएं ऐसी बना रखी हैं जिसमें हम उन रिवाजों को पूरा करने के चक्कर में जीवित लोगों को अनगिनत दुख और कड़वी यादें संभला देते हैं। मेरे पति की मौत हुई है और अगर मैं इस शोक पर्दा को रखने के पक्ष में नहीं हूँ तो तुम छोटे होकर क्यों शोक पर्दा को निभाने के पक्ष में लगे हुए हो। जब घर के आदमी घर में किसी की मृत्यु के बाद सामने जीवन जी सके तो और तो क्यों नहीं। पल्वी, क्या तुम्हारी बेटी को भी तुम 15 दिन कॉलेज जाने से रोकोगी। और नीरजा, जब तेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी तुझे याद है तेरी नृत्य कक्षा की प्रतियोगिता थी, अगर तुझे भी हम कुछ समय ऐसे रोकते लेते तो क्या तुम उस प्रतियोगिता में प्रथम आ पाती। समाज में बनाए गए नियम परिवार को बांधे रखने के लिए होते, परिवारजनों की हिम्मत को बिखरने के लिए। संजना के दादाजी भी एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहते थे, आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो हमें इन शोक भर्ताओं को निभाने की बजाय हमें उनकी इच्छा की मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। संजना ऑफिस जाएगी और जिस तरीके से वह रोज जाती थी वैसे ही जाएगी, बिंदी सूड़ी सिंदूर व सब कुछ पहनेगी जो उनके जाने से पहले तक पहनती आई है। शोक पड़ता केवल बहुओं के लिए ही क्यों हो, नियम कायदे सभी के लिए बराबर से चलते। जब घर की बेटियां बेटे पोते सब अपना जीवन सामर्थ्य तरीके से जी सकते तो बहू भी जी सकती, और ये बदलाव हमें मिलकर लाना होगा। मैं समझती हूँ तुम दोनों मेरी बात समझ गई होगी। पल्लवी और नीरजा दादी जी की बात से सहमत थी। इधर आओ संजना, पल्लवी ने अपनी बहू को बुलाया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस में देरी हो रही होगी। अपनी बहू के मन को ना पढ़ पाने का प्रस्ताव आज पल्लवी जी को हो रहा था। निर्जा भी आंखें झुकाए खड़ी थी। संजना ने अपने तीनों सांस के पाप सुए और अपनी दादी जी के गले लग गई। थैंक यू दादी माँ, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। दादी जी आज सही महीनों में अपना बड़पन दिखाकर दिल से प्रसन्न हो रही थी।